जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे। आप देख रहे हैं मेमोदिया ट्रैवल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हो खैरियत से होंगे। कल एक हमने पोस्ट की 17 मार्च के बाद से, उस पर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि आप ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं, आपके इलम में कुछ भी नहीं है। तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, उनसे गुजारिश है कि बेशक वो चैनल को स्किप करके जा सकें, नो इशू। भारत जो इसमें हैं और जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके ट्रस्ट पर हम पूरे उतरेंगे। और ये हम पहले भी बता चुके हैं और याद रहे, अगर आप इस चैनल पर पक्के सब्सक्राइबर हैं, पक्के व्यूवर्स हैं, तो आपको इस बात का इल्म होगा कि हमने जब से ये स्टार्ट किया है मिशन और इस पर अपडेट देना आपको फर्दर शेयर किए, तो मेरे ख्याल से मिस गाइड होने से आप बच गए होंगे। और इसके अलावा वही खबर जो हम एडवांस में बता रहे थे, आने वाले टाइम में आपको तमाम तो यूट्यूब चैनल्स पर वो खबर मिल रही होती है। सिर्फ क्या है, हम एडवांस में बताते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है और सच्चाई से हमेशा ही तकलीफ़ होती है, ये भी 100% बात है। ठीक है जी, कल कुछ लोगों ने सवाल किए, पहले उनका जवाब देंगे। इसके बाद कुछ जाले नाले उस तक भी साबित हो रहे हैं, उसका रीजन्स क्या क्यों हो रहे हैं ऐसा, तो ये भी एक बात है करने वाली, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, बेशक जनाब हमारी वीडियोज़ को जो पसंद नहीं करा बेशक जा सकते हैं, नो शो, उनसे कोई नाराज़ नहीं है। और जो इस चैनल पर रहना चाहते हैं तो वेलकम, खुश आमदीद, और इंशाल्लाह उनको एक अथेंटिक जो है अपडेट्स मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो याद रखेंगे कि कोई बंदा आया था और हमारे नॉलेज में उसने इजाफा किया था। ठीक है यार, जस्ट हम आपको गाइड कर रहे हैं ताकि मिस गाइड होने से बच जाएँ। सही है, हम जो इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन से मिल रही है वो हम आपके साथ शेयर करें। हम पहले भी दर्ज चुके हैं, इमिग्रेशन और नई हुकूमत, नए वज़ीर आज़म अब मुस्तनाद हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने अपना अहदा जो है मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है, तो अब उन्होंने अपने कवानीन बनाने हैं ना, नए रूल रेगुलेशन जो जीपे कौनते के बनाए। कुछ कानून में पहले उन्होंने कहा कि हम ये ना आसानी पैदा करें, लेकिन कहते तो हैं जब अमल होगा तो बात तो तब बनती है जब अमल हो। सही है, तो भाई अमल होता नहीं है और अपडेट आ जाती है तो हम शेयर करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशान ना हुआ करें मेरे दोस्तों, जिसका रिज्क इटली में लिखा है उसने हर हाल में वहाँ पहुँचना है, चाहे वो किसी भी तरीका हो। ठीक है, समझ आ रही है? आप किसी भी मतलब से हैं, कोई भी है, लेकिन रिज्क देने वाली अल्लाह की जात है ऊपर जो है। ठीक है, उसने आपको देना है और हर हाल में देना है, आप जहाँ भी रहेंगे। सही है, आप भी आप जिस जगह पर भी हैं वहाँ पर आपको रिज्क पहुँच रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, दुआ है और हम बड़े बेसब्री से इस बात के इंतज़ार में हैं कि यार कब जो है ये काम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सपोर्ट कल की भी मिली हमें, कल कुछ लोगों ने जो मैसेज किए उनको भी बताएं। देखिए दोस्तों, पहले मिलान, नापोली और रोम वेनिस की बात करने जो ट्रेंडिंग में है, इन पर मुशावरात जारी हैं क्योंकि इनके जो नाले उससे कुछ निकले हैं तो वो भी इमिग्रेशन ने जो मतलब निकाले हैं उनको निकालने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि जनाब नए वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं, उनकी तरफ से काम जारी हुए हैं कि हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि पहले इनलीगल इमिग्रेंट्स को किस स्टेप में लिया जाए, फिर वाकई एग्रीकल्चर में लोग चाहिए या नहीं चाहिए। वज़ीर दाखिला जो बार बार ये कॉन्फ्रेंस में, हर कॉन्फ्रेंस में ये कहती हैं कि हम इतने लोग चाहिए, तो ये पहले हमें आया हूँ तो मैं सर्वे करवाऊँगा, अपनी रिपोर्ट देखूँगा और नई रिपोर्ट में जो सर्वे होगा उसमें देखेंगे कि क्या इकानमी पर असर पड़ रहा है। तो नेपाली विक्रम सिंह साहब, 23 घंटे पहले नेपाली का क्या अपडेट है? प्यारे भाई, नेपाली का अपडेट फरवरी में अच्छा था, लेकिन इस वक्त जो है नई आने वाली अपडेट्स आपको मार्च में मिलेंगी। ठीक है, जैसे 17 मार्च का कह रहे हैं, 17 मार्च इससे पहले पहले भी हो सकता है, 17 मार्च एंड रखें, नहीं तो मैं तो आपको हर वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि मई तक इन्होंने कंफर्म करने हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को निकल भी रहे हैं, जैली भी साबित हो रहे हैं, ओरिजिनल भी साबित हो रहे हैं। अब इमिग्रेशन लोगों के साथ ऐसा क्यों खेल खेल रहे हैं, समझ इस बात की नहीं है। बेशक आप अपने कुछ भी सोर्सेज हैं उनसे पता कर सकते हैं, आपको यही बातें जो हम बता रहे हैं यही आपको मिलने वाली है। ठीक हो गया जी, इसके बाद जनाब अकाम हुसैन साहब हैं, आप पहले बोला 17 फरवरी, आप बोल रहे हैं 17 मार्च, आप ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ। अनसब्सक्राइब योर चैनल, डिसलाइक दिस वीडियो, या आप देखें आप अनसब्सक्राइब कर जाएं, सब्सक्राइब करके रखें, सब्सक्राइब करके रखेंगे फ़ायदा मिल जाएगा। देखें यार, जब भी कोई बंदा बात कर रहा होता है ना, उसकी सुन लिया करें, ठीक है, मुकम्मल सुन लिया करें, कुछ ना कुछ वो ऐसी बात बता जाता है, यकीन करें कि बंदी की लाइफ चेंज हो सकती है। बेशक आप सब्सक्राइब ना रखें, कुछ भी ना रखें,
और नीचे एक भाई है, कुछ पता नहीं है। ठीक कह रहे हैं भाई, हमें कुछ पता नहीं है, बेशक आप हमारी इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं, तो बेशक आप किसी और चैनल पर शिफ्ट हो सकते हैं। नो इशू, बहरहाल 17 फरवरी की जो अपडेट्स हमने नहीं दी थी, अब हम भी कह रहे हैं कि 17 मार्च कन्फर्म कर रहे हैं आप सबको। इटली का लोकल न्यूज़पेपर उठा के देख लें, नए वज़ीर आज़म की नए रूल रेगुलेशन, नए कवानीन होंगे, उस पर क्या अमल दरामद होगा, ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पर देखेगा और मैं एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद विक्रम सिंह साहब इंडिया रवीन सिटी पेपर अपडेट प्लीज़। रवीन सिटी का हम पहले भी बता रहे हैं कि मार्च था, लेकिन अब क्योंकि रवेनास, रूम, नेपोली वगैरह, ये बल्गारिया बल्गोना की जो अपडेट्स हैं ये भी काफ़ी इन्होंने चेंजेस कर रहे हैं, तो इस हवाले से अब इसकी कोई नई अपडेट्स मशहूर होगी तो हम फर्दर अपडेट करेंगे। करमाल सिंह यार, 90 दिन वाला सख्त अजीब भाई, इसकी कोई अपडेट नहीं हमारे पास। परविंदर सिंह, अल्लाह आपकी उम्र रहम करे जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। कमर आबाद साहब यार, बरीसा की न्यूज़ है, देखें यार बरीसा की अपडेट्स भी 17 मार्च के बाद ही हम कुछ अनाउंस करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में स्टेट्स थी उनको भी अब लेट किया जा रहा है, उन पर भी कुछ कवानी नए मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई अपडेट्स आएगी। तो ये जो दूसरी सिटियाँ हैं जिनका तो अभी नाम भी नहीं था लिस्ट में, तो वो फिर आएंगी जैसे ट्रेनिंग में है, पहले ट्रेनिंग को प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसके बाद जो है दूसरी सिटी छुट्टी है भाई। इटली 12 सिटी बार परमानेंट वीज़ा अपडेट, नो अपडेट भाई। बिलाल मुनीर भट्ट, चल पंजाबी थैंक्स, बहुत शुक्रिया। जरिंद्रा सिंधु सर, रूम इमिग्रेशन की देखें यार, रूम इमिग्रेशन की 17 जून को ये कह रहे हैं कि हमने अप्लाई किया है, तो चांस तो बड़े हैं, देखें आप होता है क्या। नया वज़ीर आज़म भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप ये कुछ नए रूल रेगुलेशन देखें, यकीन करें आप, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी वीडियो को छोड़ दें यार, आप इटली का लोकल न्यूज़पेपर उठा के देख लें, इटली का जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर जिसमें इमिग्रेशन के हवाले से मिसाल के तौर पर आप वहाँ एग्रीकल्चर की न्यूज़ आती हैं, उसमें पूरे यूरोप की न्यूज़ आती हैं, इटली में क्या हो रहा है, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट ये है कि 17 मार्च तक इंतजार करें, फर्दर 17 मार्च में के अंदर कौन कौन सी अपडेट्स आएंगी फर्दर शेयर करेंगे। चैनल पर रहिए, मिस गाइड होने से बचिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। mahmoodiatravel.com की वेबसाइट को दुरुस्त हो ज़रूर विजिट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको फर्दर नाम के साथ देंगे, और वाजिद चैनल जिस पर आपको नाम के साथ वीडियोज़ में रिप्लाई मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।